क्या प्रिडिक्शन है या क्या आंकलन है आपका एमसीडी चुनावों के लिए इस बार? देखिए, बीजेपी ने 15 साल नगर निगम में राज किया है और नगर निगम का जो मेन काम है साफ सफाई, वो बीजेपी भूल गई। बीजेपी ने बिल्कुल गंद मचा के रखा है, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हर गली में चले जाओ कूड़े के ढेर हैं, साफ सफाई नहीं होती, टूटी पड़ी हैं गलियां। ये नगर निगम का काम था, दिल्ली सरकार का काम था स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, बिजली ठीक करना, तो सारे हो गए। नगर निगम वाले काम सड़े पड़े हैं क्योंकि 15 साल से बीजेपी है। तो अब मैं आज यही कह रहा हूँ दिल्ली के लोगों को कि अगर फिर से बीजेपी आ गई तो अगले 5 साल ये कूड़े के पहाड़ ऐसे ही रहेंगे, अगले 5 साल आपकी गलियों में कूड़े का ढेर ऐसे ही लगा रहेगा। इसलिए बीजेपी को भगाओ और दिल्ली को साफ करो, और एक एक सीट इम्पॉर्टेंट है। सीएम साहब ने तो ये कहा है कि इन चुनावों में बीजेपी 20 के नीचे रहेगी, अपना आकलन क्या है कि आपकी अपनी पार्टी कितनी सीटों को जीत सकती है? सीएम साहब ने अपनी पार्टी का ही आकलन दिया है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20 वो जीतेंगे, 230 आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल, आप देखना अभी तो जब जनता देने पे आती है, अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर तो ऐसी देती है। अब लोगों को अपनी हर एक वार्ड साफ कराना है, हर एक मोहल्ला साफ कराना है। अब लोगों को ये भी समझ में आ गया, ये लोग हमेशा डाल देते थे भाई केजरीवाल केजरीवाल, अरे केजरीवाल जी का काम थोड़ी था कूड़ा साफ करना। अब केजरीवाल जी को देंगे अब लोग कूड़ा साफ करने के लिए, नगर निगम देंगे, गली मोहल्ले की जो सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो केजरीवाल जी को अब देंगे। तो अब एक एक वार्ड में होड़ मच रही है कि जी हमें भी चाहिए केजरीवाल जी के हिसाब से काम।